Hey guys, back with Soul Tournament and Update Video. So, ये e-sports club invitational का टूर्नामेंट है. तो e-sports club invitational के टूर्नामेंट के मैच वन में जो कि रैंगल का मैप था, तो ये रैंगल का मैप में सोल ने 8 किल के साथ चिकन डिनर लिया है. एंड ये सोल का दूसरा चिकन है. पहला चिकन अपरस e-sports में था 16 किल के साथ, तो वो आप चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हो. यह आपको आई बटन में मिल जाएगा उसका लिंक, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो. एंड आप चलते हैं सोल के ये 8 किल के साथ चिकन डिनर की तरफ. एंड उससे पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, आपको ऐसे सोल का तोड़फोड़ वीडियो एंड अपडेट वीडियो मिलता रहेगा. तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत एंड जल्दी से 50K करो. सो अब चलते हैं ये मैच की तरफ. कॉल टीम, दे आर आल्सो कमिंग अप इन द सेम एरिया. टीममेट बिट वो भी यहां पे ऑलरेडी आ चुका है. लेकिन अब अगर बात करें हम यहां पे, तो अक्षत जैसा बोला टीम सोल ऊपर में. डाउन गॉब्लिन, दोस्त स्टैब शॉट्स आर जस्ट अमेजिंग. अबरार को भी स्पॉट किया है, बट शॉट्स इतने एक्यूरेट थे नहीं कि उनको नॉक करा जाए. जी हाँ, अभी के लिए अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि एचपी काफी ज्यादा कम की जा रही है प्लेयर्स की स्किल को. तो यहाँ पे नॉकआउट ही कर दिया गया है. रॉबिन के तरफ से काफी ज्यादा बढ़िया वैल्यू निकलेगी. ब्लाइंड के प्लेयर्स को डाउन करेंगे एंड लुक एट दिस, इनको भनक लग चुकी. अगर तो उनको पता चला है वो जरूर आगे बढ़ेंगे. यहाँ पे कुछ शॉट्स की कोशिश करेंगे. आई थिंक रॉबिन ने वहाँ पे शॉट्स लिए भी और शायद कंफर्म कर दिख सकते हैं. एक्जैक्टली नो, आई वाज द वन जिन्होंने यहाँ पे एक्चुअली डाउन किया और रॉबिन को भी कंफर्म किया ना अपनी टीम को एक जीवन आने के. बट जस्ट लुक एट द पोजीशनिंग जो कि टीम सोल के पास है. बोला था पहले भी ये चीज, ये जो सर्कल होते हैं वो आपको जॉर्जो हिल यानी कि एवरेस्ट के हल्का नीचे ही जाते दिखते हैं. उसी सेम तरीके का आपके सर्कल बनेगा, एवरेस्ट के हल्का से नीचे की तरफ जाता दिखा है. और टीम सोल दे आर हैविंग अ वेरी गुड पोजीशन. एक प्लेयर को सर्कल के अंदर छोड़ा है सो दैट आप सर्कल पकड़िए. बाकी तीन प्लेयर्स दे आर सिटिंग आउटसाइड द सर्कल जस्ट टू गेट मोर एंड मोर फिनिशेस, जस्ट टू गेट मोर एंड मोर वैल्यू फॉर द टीम. और मुझे लग रहा है अभी आपको एक फिनिश दिख रहा है. गेम आगे बढ़ लीजिए, फिनिशेस का भंडार लगता दिखेगा. शॉट क्यों नहीं लिया गया वहां पे? आई एम प्रीटी सरप्राइज्ड. प्लेयर काफी ओपन में थे ग्लोबल ईस्पोर्ट्स के, बट शॉट नहीं लिया. ऑल्दो जॉग का आपने एरिया लिया है, ये अब बहुत ज्यादा आपको वैल्यू जो है वो देगा. बिकॉज नाउ यू हैव दैट हाइट एडवांटेज. एक टीम जरूर उसको कंटेस्ट करने के लिए नीचे आ रही है. शायद वॉकआउट्स की ही थी जिसके ऊपर ओमेगा ने पूरी तरीके से फुल स्टॉप लगाया है. मिस्टर स्प्रे को स्पॉट किया, मिस्टर स्प्रे को टेकडाउन करेंगे ना. व्हीकल से उतरते हुए प्लेयर्स को देख रहे हैं. स्क्रिल्स ही गोज डाउन एंड अबरार भी डॉट एचपी पे आप सर्वाइव कर रहे हैं. किरी तो ही एक ऐसे प्लेयर है जो हेल्दी है, बट पीछे से FaZe Esports आ चुके हैं थर्ड पार्टी के लिए. एंड किरी तो लॉट ऑफ ट्रबल, ही आल्सो गेट्स स्पॉटेड डाउन. उनको भी पिक ऑफ किया जाएगा एंड वॉकआउट्स थर्ड पार्टी के चल को होल्ड बैक किया हुआ था बिकॉज वो चाह रहे थे मल्टीपल डायरेक्शन से एक्सपोज ना हो. एंड वो चीज उनके फायदे में यहाँ पर काम कर रही है. दो ही फिनिशेस हैं बट टॉप फाइव के अंदर ये टीम अपने आप को पा रही है. एंड अभी भी 11 और प्लेयर्स सर्वाइव कर रहे हैं. चार अगर एक्सक्लूड करते तो 7 प्लेयर्स अभी भी है. सो एक 7-8 फिनिशेस का चिकन डिनर, इट वुडेंट बी द बेस्ट पॉसिबल वन फ्रॉम दिस पोजिशन. क्योंकि यहाँ से हमने काफी ज्यादा अच्छे अच्छे चिकन जो है वो आते हुए देखे हैं, बट इट वुड बी डिसेंट वन. अक्षत व्हीकल ब्लास्ट करेंगे. एक ही है, एक प्लेयर को पीछे छोड़ना पड़ेगा फॉर द सैक्रिफाइस पार्ट और बाकी प्लेयर्स को सर्कल के अंदर एंटर करेंगे. मुझे लगता है अक्षत वुड इलेवन जो कि यहाँ पे पीछे रहेंगे, डैमेज देंगे प्लेयर्स को, टेकडाउन करेंगे प्लेयर्स को और बाकी प्लेयर्स को सर्कल के तरफ जाने का मौका पूरे तरीके से देंगे. और बाकी प्लेयर्स जो सर्कल की तरफ जा रहे हैं वो भी अभी इतनी आसान से नहीं पहुंचेंगे. दे हैव टू फाइट फ्रॉम विद टीम स्केलेट्स. जो भी टीम इस फाइट को जीतेगी वो फिर आगे बढ़ेगी और टीम ब्लाइंड के साथ फाइट देने वाली है. दिस इज गोना बी क्रेजी को देख सकते हैं. लेकिन इसका फायदा स्काइलाइट्स गेमिंग यहां पे उठाते नजर आएगी. गमला बॉय गोब्लिन को रॉक करेंगे जरूर, लेकिन ओमेगा ट्रेड में वैक्सी को भी करेंगे नॉक एंड यहां पे डायरेक्ट एक नेट जाएगा ओमेगा की तरफ से. फिनिश वहां पे सिक्योर कर लिया जाएगा. 6 फिनिश टीम सोल के खाते में आ चुके हैं. अब ब्लाइंड के पास जोन का एडवांटेज चाहे रहे, लेकिन मैन एडवांटेज से अगर इकट्ठे स्लैम इन कर दिया जाए गाड़ी वगैरह लेके तो ब्लाइंड के लिए भी यहां मुश्किल आ सकते हैं. डेडबुल की एचपी ऑलरेडी यहां पे लो कर दी जा चुकी है. Team Soul, they have a very good area. अब यहाँ से advantage बहुत ज़्यादा numbers का 4v2 की ये fight होने वाले. हाँ, Team Soul, they need to enter the circle और इसीलिए अब यहाँ पे आपको directly circle की तरफ move करते देखेंगे. Just Goblin, the red dot spray देने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे इन UMP के साथ जो कि close range की gun है, but still try कर रहे हैं यहाँ पे value निकालने का. बहुत ज़्यादा बढ़िया damage spike के ऊपर, बहुत ज़्यादा बढ़िया damage पड़ी spike के ऊपर. अक्षत को directly push in करेंगे और लीजिए एक player को take down किया. अब अकेला player बचा Deadpool, circle भी आ रहा है, आपको आगे बढ़ना ही पड़ेगा. You can't do anything. और यहाँ से अगर अक्षत grenades भी toss कर देते हैं easily down कर देंगे. और Team Soul दे love taking fight with the grenades. एक grenade आता दिख रहा है दोनों ही तरफों से, लेकिन लीजिए समझ गए थे grenade आ रहा बाहर. तो कैसा लगा आपको सोल का ये 8 किल के साथ चिकन डिनर, मुझे कमेंट करके बताना. एंड अभी तक आपने 16 किल के साथ चिकन डिनर देखा कि नहीं? अगर नहीं देखा तो जाके वो भी देखो, उसमें भी बहुत मज़ा आएगा आपको. सो वो देखना भूलना मत. तो बस आज के वीडियो को बस इतना ही. अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सोल के अपडेट एंड तोड़फोड़ के साथ. तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. कीप प्लेइंग, कीप सपोर्टिंग. बाय.